सलमान खान को पिछले दिनों जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई थी। पुलिस ने एक्टर के घर जाकर भी पूछताछ की थी। सलमान खान को जो धमकी मिली थी उसमें कहा गया था कि उन्हें भी सिद्धू मूसेवाला की तरह मार दिया जाएगा। तभी से सलमान खान की जान पर खतरा मंडरा रहा है। अब हाल ही में सलमान खान मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से मिले। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से बातचीत करके निकले। कुछ महीने पहले ही सलमान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से जान से मारने की धमकी भरा लेटर मिला था। ये लेटर बांद्रा के बैंड स्टैंड प्रोमेनाड में मिला था। लेटर सलीम खान के गार्ड को उस जगह मिला था जहां सलीम अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद जाकर बैठते हैं। इस सिलसिले में बातचीत के लिए एक्टर पुलिस कमिश्नर से मिले थे। धमकी भरी लेटर के बाद सलमान खान ने पुलिस के पास एक एप्लीकेशन भी जमा की है, जिसमें उन्होंने एक हथियार के लाइसेंस की डिमांड की थी। कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस पुलिस से चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।